नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजा आ गया डिनर करके। हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि घर पर डिनर कर रहे हैं। जो दिल से खिलाया जाता है उसमें मजा ही आता है, क्यों रोहित जी? हाँ, जो दिल से खिलाया जाता है उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा गाइस, 9 बज गए, मैं जा रही हूँ, मम्मी का कॉल आने वाला है। ओके। यार रोहित, तुझे देखता हूँ तो कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है। कितनी मस्ती किया करते थे ना हम लोग। मैं नहीं, तू करता था मस्ती। मुकेश, तुमने मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाया। ओह सॉरी डार्लिंग, भूल गया। चलो अभी करवा के आता हूँ। ठीक है। आइए रोहित जी, मेरे रूम में चलते हैं। यार रोहित, तू पिछले एक घंटे से बोल रहा है, कुछ बात बतानी है। बताना क्या बात है? या मुकेश, हाँ? तू कहीं मेरी बात सुनकर हमारी दोस्ती ना तोड़ दे। अरे दोस्ती से बढ़कर भी कोई बात है क्या? हाँ यार। ठीक है, तो कसम है मुझे इस दारू की, तेरी बात सुनकर अपनी दोस्ती पे कोई आंच आने नहीं दूंगा मैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। तो सुन, तो उस दिन मुझे बोला था ना वो मैसेज मलाइका को देने को। हाँ बोला तो था, तो उसमें क्या हुआ मुकेश? वहीं से तो सारा लफड़ा शुरू हुआ है। मुकेश, तू हंस रहा है मेरी बात पर? तो क्या करूं यार रोहित, तू करोड़ों का बिजनेस कर रहा है और सोच वही पुरानी कॉलेज वाली। रोहित बाबू, वक्त बदल गया है मेरे दोस्त। एक बात बता, जब हम लड़के कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी एंजॉय कर लेते हैं तो लड़कियों को यह हक क्यों नहीं? इस बात को हम नाश्ता करते हैं ना और फिर भूल जाते हैं, इस बात को भी नाश्ता समझ के भूल जा। चल बना पे किसी बात पे। मुकेश, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, उसके बाद फिर वेटर का कॉल आया था, उसने मेरी वीडियो शूटिंग कर ली है मलाइका के साथ, और वो मेरी वाइफ संजना को दिखाना चाहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, सोशल साइट्स में डालने की धमकी दे रहा है मुझे। ये तो गंभीर बात है, आगे क्या बोला वो? यार वो 10 crore मांग रहा था लेकिन 5 crore में डन हो गया। क्या? 1 rupee नहीं देगा तू उसे? मैं उसे इतना मारूंगा, जान से मार दूंगा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा तेरे लिए, लेकिन तेरी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं यार, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मुकेश, हम सारा धंधा व्हाइट में नहीं करते, 40% ब्लैक मनी भी होती है, उसमें से 5 crore गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कुछ हो गया तो इज्जत धुल जाएगी और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तू मेरा दोस्त है ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता सिर्फ 5 crore के लिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तू कहता है तो मान लेता हूं, लेकिन ये गलत है। हाँ जानता हूं यार मुकेश, आज मैं बात करके तुझे बताता हूं ये पैसा कहां पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है। मुझे ऐसे लफड़ों से बहुत डर लगता है यार। ठीक है रोहित, ये तेरे लिए तो मैं कर दूंगा, वरना मैं किसी के लिए पैसे के मामले में पड़ता ही नहीं हूं, क्योंकि ये पैसा ही है जो दोस्ती में
दरार पैदा करता है। चलो अब ग्लास खाली करते हैं, फिर चलते हैं अपने अपने रूम पर। अरे यार मुकेश, जो तुझे मैं बोला वो किसी को मत बोलना, किसी को मत बोल, मलाइका को भी मत बोलना। भरोसा है ना? हाँ भाई, भरोसा है तुझ पर। चल बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ पूरे 5 करोड़ मैं भेज दूंगा। हाँ लेकिन भेजना कहाँ है, एड्रेस तो बताओ। अच्छा हाँ हाँ ओके, इसी एड्रेस पे ना। ठीक है मैं पैसे भेजता हूँ। अरे रोहित, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुकेश, वो उस ब्लैकमेलर से मेरी बात हो गई। अच्छा, ये रहा एड्रेस और ये पैसे हैं, 5 करोड़। इस एड्रेस पे पहुंचा देना और हाँ अपना ध्यान रखना। चल ठीक है, तेरा काम मैं संभालता हूँ, तू आराम से जाके सो जा। ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ साहब, आप इसे नॉक क्यों कर रहे हो? और ये लोग तो सुबह ही चेकआउट करके चले गए। क्या? हाँ साहब, ये सब चेकआउट करके जा चुके हैं। धोखा मुकेश, मेरे साथ गेम किया।